पर्पल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले 8 साल तक पीएम के एसपीजी कमांडो रहे एक जख्मी जवान ने दिल को झकझोर देने वाला खुलासा किया है। 2014 में छत्तीसगढ़ के सुकमा नक्सली में मुठभेड़ में घायल सीआरपीएफ जवान मनोज सिंह तोमर पिछले 4 साल से अपनी आंत पॉलिथिन में रखकर इलाज की आस लगाए भटक रहे हैं। दरअसल मनोज मार्च 2014 में छत्तीसगढ़ की जिरम घाटी में नक्सली मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मुठभेड़ में मनोज के पेट में 7 गोलियां लगी थी। उस हमले में 11 जवान शहीद हो गए थे। सिर्फ मनोज ही हमले में बच सके। घायल मनोज की जान तो बचा ली गई लेकिन वह सामान्य नहीं हो पाए। उनकी आंतें पेट से बाहर ही रही और एक आंख की रोशनी भी चली गई। मनोज पेट से बाहर निकली आंत पॉलिथीन में लपेट कर जीवन बिताने को मजबूर है। 16 साल तक सेना में रहकर देश की सेवा करने वाले मनोज सिंह तोमर अब बहुत ही दुखी है क्योंकि नक्सली हमले में घायल होने के बाद सरकार उनकी पूरी चिंता नहीं कर रही है। मनोज सिंह तोमर का कहना है कि सरकार के ऐसे बर्ताव से ये मायूस होता है कि सरकार ज्यादती कर रही है। व्यू 5। मनोज का कहना है कि उस समय स्पॉट पर इलाज हो गया लेकिन सही नहीं हो पाया। आज हम अपना इलाज के लिए एम्स के चक्कर काट रहे हैं, किसी मंत्री के बंगले के चक्कर काट रहे हैं कि हमारा इलाज करा दो। सरकार से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।